नमस्कार। ग्राम ग्राम का हो उत्थान, हर प्रतिभा का हो सम्मान, यही सपना लेकर के ये YouTube चैनल बनाया गया है। क्या आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है? यदि नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर उसमें जो तीन ऑप्शन आते हैं उसमें सबसे ऊपर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये मत भूलना, ये जरूर करना। मित्रों, ग्राम विकास के पहले एपिसोड यानी जिसमें हमने ग्राम विकास को लेकर जो परिकल्पना है उसके बारे में, भू संपदा के बारे में चर्चा की थी, यानी प्रकृति ने हमें खूब सारी बातें, खूब सारी चीजें उपहार के रूप में दिए। यदि इनको उपहार स्वरूप हम मान करके उनको संरक्षित करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये ग्राम विकास में बहुत बड़ा सहायक होगा। इसलिए अगली जो संपदा है यानी जिसके बिना हमारा एक दिन भी निकल नहीं सकता, वह संपदा है जल संपदा। अभी यानी गर्मी के मौसम में आप सब इस आवश्यकता को महसूस भी कर रहे होंगे, यानी जल कितना आवश्यक है यह उन व्यक्तियों से पूछिए जहां पर जल को संरक्षित करने का कोई स्थान नहीं है। जल संरक्षण यानी वर्षा का जो जल आता है उसको यदि हमने ठीक व्यवस्थित रूप से संरक्षित करने का कोई न कोई माध्यम अपना लिया, अपने घर के अंदर सबसे पहले हमने ये विचार कर लिया कि मेरे छत का पानी वो मैं व्यर्थ में नहीं बहने दूंगा, यदि ये संकल्प ले लिया तो ये भी अपने आप में एक ग्राम विकास के जो आपका सपना है उसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। ऐसे ही जो व्यर्थ में जल बह रहा है यानी आपने गांवों के अंदर ऐसे खूब मोहल्ले देखे होंगे जहां पर सार्वजनिक नल लगे होते हैं और वह बहते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जल नहीं पहुंच पाता। तो ग्राम विकास ऐसा मन में रखने वाले व्यक्तियों से, ग्रामवासियों से मैं निवेदन करूंगा, जो जो ग्राम विकास में थोड़ा बहुत भी सहयोग कर सकते हैं आप एक शुरुआत कीजिए। 10 या 20 रुपए की एक नल लीजिए, 20 लीजिए और जो व्यर्थ में पानी बह रहा है वहां जाकर उसको लगा दीजिए। या ऐसा आपने देखा होगा ऐसे नल होते हैं जो टपकते रहते हैं, यदि गांव के अंदर ऐसे सार्वजनिक नल या अपने घर का नल आपके जो बाहर लगा हुआ है यदि वो टपकता रहेगा, व्यर्थ में बहता रहेगा, तो जहां आवश्यकता है वहां पानी नहीं पहुंच पाता और जिसको जो चीज प्राप्त नहीं हो रही है उस चीज का महत्व वही समझ सकता है। इसलिए प्रकृति ने हमें जो जल संपदा दी है यानी जल है तो कल है, जल के बिना जीवन अधूरा है, इस बात को यदि आपने समझ लिया और ग्राम विकास के अंदर आप यदि कोई भूमिका निभाना चाहते हो, इस समय सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता है वो है जल संरक्षण की, और आपसे निवेदन करता हूं आप भी इस जल संरक्षण की मुहिम में इस ग्राम विकास चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, अपने खुद से शुरुआत करें, अपने ग्राम से शुरुआत करें, अपने मोहल्ले में ऐसे युवाओं की, ऐसे जागरूक बंधुओं की टीम तैयार करें जो जल संरक्षण का महत्व बताएं और जहां जल की आवश्यकता है वहां जल पहुंचाएं। अगले एपिसोड में हम इस प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त संपदा है विशेष उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें वो बातें बताएं जो आपको लगता है ग्राम विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वो कमेंट्स जो प्राप्त होंगे उनके माध्यम से हम आप तक अनेक वीडियो बना करके भेजने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।